नगर निगम शिमला वैसे तो किसी न किसी बात को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहता है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो या फिर पानी की समस्या। रीव टाइम्स की टीम ने जब वार्ड नंबर 33 लोअर खलीनी का दौरा किया तो वहां पर कई समस्याओं के बारे में लोगों से जानकारी हासिल की। वार्ड नंबर 33 खलीनी में लोगों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। द रीव टाइम्स ने नगर निगम शिमला के वार्ड नंबर 33 में लोगों से बातचीत की तो यहां के लोगों ने बताया कि वार्ड में सबसे ज्यादा कूड़े की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हालांकि डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था तो है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश कभी कूड़ा नहीं दे पाता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि वो किसी डंपर में कूड़ा डाले। ऐसे में कई लोग कई बार खुले में ही कूड़ा रख देते हैं, जिसके बाद कुत्ते बंदर उस कूड़े को फैला देते हैं, जिससे गंदगी फैली रहती है। लोगों ने मांग की है कि वार्ड में डंपर लगाया जाए ताकि लोग उस डंपर में कूड़ा डाल सके और गंदगी ना फैले। कई समस्या ऐसे है जो एक हमारे यहाँ डंपर बनाया जाए नीचे, जो कुत्ते सारे में खिलार देते हैं यहाँ नीचे। ये कोई डंपर बना दे कि MCY जो मतलब ये क्या नाम ये उसमें डंपर में डाले, बाहर से आते हैं लोग ऐसे ही फैल जाते हैं, सारे में खिलार देते हैं, पशु भी कुत्ते भी सब खिलार जाते हैं, सारा दूषित हो जाता है, यहाँ मच्छर ही मच्छर हो गया। कूड़े की बहुत ज़्यादा समस्या है, कई बार काउंसलरों के साथ बात करी की गई है, उनको अवगत कराया गया, मगर वो डस्टबिन अभी तक कोई प्रावधान नहीं हुआ डस्टबिन का। अब यहाँ सारी सड़क में कूड़ा ही कूड़ा फैला रहता है, सारे पशु है जानवर है सब फैला देते हैं कूड़ा, बंदर है कुत्ते हैं, स्कूल यहाँ पास में लोगों को नाक पकड़ के जाना पड़ता है, इतना गंदे आप देख सकते हैं, आप लाइव वहाँ फोटो खींच के मीडिया में दिखा सकते हो यहाँ क्या हाल है इसका। वहीं लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में सड़क की हालत भी ठीक नहीं है, जगह जगह से मेटलिंग उखड़ रही है। वहीं वार्ड में पार्किंग की समस्या से भी लोगों को ने अवगत करवाया। लोगों ने बताया कि कई बार वो अपनी समस्या से वार्ड के पार्षद को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मांग की कि वार्ड में लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाए और उनके समस्याओं का समाधान किया जाए। वैसी पार्किंग की समस्या, पार्किंग अब लोग रोज चालान करवाते हैं बेचारे, रोज लोगों के चालान हो रहे हैं, और MC से भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक पार्किंग बनी है, इसका उद्घाटन सुनने में आया, इसका उद्घाटन होगा अभी कई दिनों से बनी पड़ी है, पर इसका कोई उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ, ये भी ऐसे ठंडे बस्ते में डली है। तो यहाँ इस एरिए में बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है जिनका सरकार को भी और ध्यान देना चाहिए। कि कई दफ़े करवा दिया है, काउंसलर साहब को भी अवगत करा दिया है, आपके कमिश्नर MC के अधिकारी भी आते हैं उनको भी अवगत कराया है, उनको लाइव भी दिखाया है। अभी तो बहुत ही है समस्याएं, रास्ता ढंग का नहीं है, पर MC की पार्किंग बन रही है उसमें धीमा चला हुआ है काम, और उन्होंने चुनाव से पहले बोला था सड़क पे कोई खड्डा नहीं होगा, पर कोई सड़क अच्छी नहीं है, जो सड़क ये चौड़ी भी करते हैं वहाँ पे मिट्टियाँ डाल देते हैं। ये समस्या ऐसी है हमारी कि ये टायरिंग है देखो 6 महीने नहीं की, इसमें खड्डे खड्डे पड़ गए ऊपर से नीचे तक, तो ये मैं चाहता हूँ कि भाई या तो इसको दोबारा किया जाए। वार्ड में जनता को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर जब द रीव टाइम्स की टीम ने वार्ड के पार्षद पूरन मल से बात की तो उन्होंने बताया कि वो जनता को पेश आ रही समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। वहीं जनता की सुविधाओं को देखते हुए विकास कार्य भी वार्ड में किए जा रहे हैं। पार्षद ने कहा कि 2017 में लोगों ने उन्हें पार्षद के रूप में चुना, उसके उपरांत वार्ड में कई विकास कार्य किए गए जिसमें एम्बुलेंस रोड, ओवरब्रिज, स्ट्रीट लाइट जैसे प्रमुख कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बचे कार्यों को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जब से 2017 से मैं चुन के आया हूँ तब से हमने विकास के बहुत सारे कार्य कर दिए हैं, जिसमें कि आपके बड़े बड़े काम जैसे फुट ओवर ब्रिज है और आपके नीचे एम्बुलेंस रोड है, और इसके अलावा जो सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट पेडेशन पार्क जितने भी हैं, रेलवे स्टोर, इस तरह के बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। ये मैं जब आप वार्ड में विजिट करेंगे और जनता से पूछेंगे वो आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जो हमारे बाकी काम बच गए हैं, इसमें आपके एक तो ऊपर वाले चौक से निचले वाले चौक तक हमने जो है ना स्टोन बिछाना है, क्लीनिंग अपर चौक में एक ये काम है, और इसके अलावा कुछ एक दो बुक कैफे बनानी है, एक दो हाई मास्क लाइट लगानी है, ये हमारा आगे का प्रपोजल है। इसके अलावा जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती है, जिस तरह से किसी गली में या किसी मोहल्ले में जैसे जैसे लोग डिमांड करेंगे हम उनको पूरा करेंगे।
शिमला नगर निगम के वार्ड नंबर 33 में लोगों से बात करने के बाद कई तरह की समस्याओं से हम रूबरू हुए। वहीं वार्ड के पार्षद ने जनता की इन समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि वार्ड में कूड़े की समस्या की वजह से जो गंदगी फैल रही है उसमें लोगों को भी अपना सहयोग देने की जरूरत है। लोगों को सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा और खुले में कूड़ा नहीं फेंकना होगा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर।
बाईपास रोड शनान संजौली शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।